हाँ जी, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की जानिब से दिए गए जो स्टे ऑर्डर हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किए गए थे और इस हवाले से प्रोसीडिंग भी हुई थी और आज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से रिटर्न ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के खिलाफ जो ने इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है वो जारी रखने की इजाजत दे दी और इलेक्शन कमीशन जो है न सिर्फ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बल्कि जो दीगर रहनुमा हैं फवाद चौधरी असद उमर के खिलाफ भी जो है कार्रवाई जारी रखेगा ऐसा कहा गया है इस रिटर्न ऑर्डर में। और ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है तहरीक इंसाफ के इतराजात पर भी जो है कानून के मुताबिक फैसला करे और किसी हाई कोर्ट ने जो है इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका है। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ हतमी फैसला जारी करने से रोका है और इस हुक्म में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट कमीशन को जो है कार्रवाई के लिए बाख्तियार बनाता है। तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई का अख्तियार देने की दफा चैलेंज कर दी थी लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये जो तहरीरी हुक्म है वो जारी किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल जावेद, अपडेट के रहे थे।